मंच पर बैठे हुए आदरणीय हम सभी के अभिभावक बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय भाई सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय वर्मा जी, हमारे विभाग के सचिव आदरणीय विवेक जी और सामने बैठे हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूं और बिहार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई करती हूं। सचमुच आज एक ऐसा संयोग है कि हम सभी आपस में बैठ के छूटे बिलखे हुए कहीं दूर दराज में बैठे हुए अपनी रोजी रोटी को कमाते हुए, लेकिन आज एक दर्शन के लिए, एक बात के लिए हम सभी बैठे हैं कि कैसे हम जहां जन्म लिए हैं, जहां हमारा कर्तव्य बनता है वो है बिहार, और उस बिहार को हम कैसे उस ऊंचा देखें जिससे कि हमारा जो हमेशा बिहार अव्वल रहा है देश में और आज वो जो पीछे हम हैं उसे अव्वल बनाने की कोशिश में हम सारे लोग बैठे हुए हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत भी वही है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमें मिला था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व में हम आलोकित होते थे बिहार नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से, और आज भी हम जाने जाते हैं। आपको पीछे की भी कहानी, हमारे सभी बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग और बड़े कैपिटलिस्ट लोग सारे बैठे हैं कि जिस समय एक जमाना था जिस समय अकबर ने कहा कि जब उनके गुरु आए यहाँ दीक्षा लेने के लिए जब नालंदा में, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या आपके लिए क्या लाऊंगा, उन्होंने कहा कि नहीं, वहां से तो सिर्फ कोई नूर की पड़ी नहीं, मुझे एक गुरु की आवश्यकता है, और उन्होंने गुरु की मांग की। वो बिहार के हम सभी जन्मे हुए बच्चे हैं और उनके बालक हैं और बालिकाएं हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कैसे अपने बिहार को उसी गरिमा के तरह ही पहुंचाने का काम करें। तो अच्छे काम के लिए आज भी आपका हाथ खुला हुआ है और आप देने के लिए तैयार है। यही हमारा जो है सेतु का काम जो करने का जो है, ये बिहार फाउंडेशन का हम लोग जो अभी चैप्टर जो शुरू किए हैं, ये काम है कि हम लोग भी बिहार के लोग जहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी प्रदेश अपना अपना एक बिल्डिंग बनाई है सरकार से जमीन लेके, वैसे हम लोगों का भी बने कि 100-200 लोग हमारे आए और वो रहे कम से कम कि अपने बिहारी भाइयों के आश्रित पे आए हैं, हमारे मरीज की अच्छी इलाज हो सकती है और जो जिसमें उसमें देना हो सकता है वो हम कर सकते हैं। विरासत इतनी बड़ी है जो छोटी सी, आज कहीं कोर्ट में जाए तो लोग कहता है कि अरे भाई, अरे हमको तो बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, बहन ही भाई में झंझट लगाते हैं और अलग अलग तो बात अलग है। तो अभी भाई बता रहे थे कि हमारा जो संस्कृति विभाग से अपना आया है हमारा सांस्कृतिक बोध सिंगला, उसमें तो यहाँ मैथिल के, मिथिलांचल के बहुत सारे भाई हैं, मैं थोड़ा उनको सुना भी दूं कि भैया हम लोग आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं और ये कहने आए हैं कि जब हम आपसे मांगते हैं तो आप कहते हैं कि अरे तुम तो पूरा संपत्ति ले लो, तो एक अपने यहाँ जो सामा चकवा है, सामा चकवा में चलता है ना कि जब भौजाई के घर में जाते हैं तो भाभी कहती है कि अरे जाओ जाओ तुम्हारे भाई नहीं है नहीं देंगे, तो भैया आगे बोलते हैं कि नहीं नहीं बाबा के संपत्ति है वो, भैया देवो पूरे बांट, तो बहन कहती है कि नहीं नहीं बाबा के संपत्ति है वो भैया, भैया भतीजों के राज, और दूरा देसी पर देसी और बहिना मोटरी के आस, और आज चिवड़ा का दिन है, अभी धान हो रहा है तो हमको सिर्फ मोटरी ही चाहिए, अपने बिहार के लिए थोड़ी मोटरी दे दीजिएगा, उसी से अपना काम हो जाएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात है, बहन इतनी दूर से आई है तो कम से कम यहाँ जितने हमारे भाई हैं उनके लिए आशीर्वाद तो जरूर करें, और वो अभी अभी हमारा त्योहार गया है जो छठ के पहले अपना भैया दूज आता है, तो हम तो कहते हैं कि सबे भैया बैठे ले और सबे भौजी दे ले, सबे बहिना दे ले आशीष होना, जिया सु मोरा भैया, जिया भैया लाख बरी सना, भैया के बागे सिर पा गया और भौजी के बाड़े सिर से नुना, यही करके उस सब भाई को प्रणाम करती हूँ। जय हिंद जय भारत। मैं सुशील कुमार मोदी, मैं मुंबई आया हूँ, मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, मेरा नाम सुशील कुमार मोदी, कृपया मेरा नाम रजिस्टर कर दिया। मिडिल नेम सर, आपका जन्म तारीख जान सकता हूँ मैं, जन्म तिथि क्या है आपकी?
5/1/1952 अच्छा 5 जनवरी 1992 बोल रहे हैं सर जी 92 मैं जाता हूँ 1952 सर मैं जान सकता हूँ कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है BSc बॉटनी ऑनर्स सर आपका कहना है कि आप इस समय बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बस ठीक है आप इतना रजिस्टर कर लीजिए आपका काम पूरा हो गया सर आपका ओरिजिन यानी कि नेटिव प्लेस बता सकते हैं बिहार में कहाँ पर है पटना पटना रोड नंबर 8A राजेंद्र नगर रोड नंबर 8A राजेंद्र नगर राजेंद्र नगर जी नाइन फोर थ्री वन जीरो वन सेवन फाइव थ्री जीरो सर इस समय आपका मुंबई में अगर आपसे संपर्क करना हो तो उसके लिए कोई एड्रेस मिल पाएगा कोई पता मिल पाएगा यहाँ मुंबई का नहीं इसी नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो बात हो जाएगी ये मोबाइल मेरे साथ सुशील कुमार मोदी @yahoo.co.in सर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपका बिहार फाउंडेशन का एक अस्थायी पंजीकरण नंबर है जो है आप नोट कर सकते हैं यह है TEMP10 फिर से एक बार बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी बिहार की कला संस्कृति एवं युवा मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी यहां मंचासीन श्री रविशंकर श्रीवास्तव जी वर्मा जी यहां आए हुए तमाम अतिथिगण दोस्त बिहार फाउंडेशन के मुंबई चैप्टर के आज इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है इसलिए मैं अपना दायित्व समझता हूं कि एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं कि बिहार फाउंडेशन है क्या बिहार फाउंडेशन का जो जेनेसिस है जो इसकी हिस्ट्री है इसको हम लोगों ने 2007 में एक ग्लोबल मीट किया था उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और आकर के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ उसके पहले प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ हमारा हैदराबाद में जिसमें हमारे डिप्टी सीएम सीएम और सभी लोग गए थे तो एक जो बिहार में जो रिसर्जेंट बिहार की बात होती थी कि बिहार में एक रेनेसा हो रहा है जो बिहारी है थोड़ा गर्व महसूस कर रहा है कि थोड़ा हम लोग एक चेंज देख रहे हैं एक पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं तो उसको कैसे कॉन्क्रिटाइज किया जाए इंटरनेशनली ग्लोबली